बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद अली, आई एम अ टीचर। कैसे स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक ठाक हैं? आज हम स्टूडेंट्स आपको नाइन्थ क्लास में जो मैथ्स का हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर मौजूद है। लास्ट वीडियोज़ में आप हमारे पिछले लेसन को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर आप ख़ुद भी हमारे चैनल को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें आपको दो मैट्रिसेस दी गई हैं। एक मैट्रिक्स ए है 2x2 की और बी मैट्रिक्स भी 2x2 की है। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, पहला पार्ट जो है कि 3a-2b आपको सॉल्व करना है। तो 3a का मतलब है यहाँ जो नंबर है 3, उससे मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ 2 जो नंबर है उससे बी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपस में फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी है, इसके बाद हम 3a-2b लिखेंगे। 3 लिखकर हम ए मैट्रिक्स को उतारेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1-2 और 3 और 4। इसी तरह माइनस का साइन आएगा, 2 लगाएंगे और बी मैट्रिक्स उतारेंगे तो 0, 7, -3 और 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 से ये जो 3 रियल नंबर है ये तमाम इस मैट्रिक्स की एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 1, 3 × -2, 3 × 3, 3 × 4। इसी तरह हमने साइन माइनस लगाना है। अब यही 2 को स्टूडेंट हम चारों जो इस मैट्रिक्स की एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 × 0 हो जाएगा, 2 × 7 होगा और 2 × -3 होगा और 2 × 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई के बाद वो देख सकते हैं आप। 3 × 1 = 3, 3 × -2, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 होगा, 3 × 4 = 12 होगा। माइनस लगाएंगे, इसके बाद 2 × 0 = 0 हो जाएगा, 2 × 7 = 14 हो जाएगा और 2 × -3 = -6, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनकी एंट्रीज को आपस में। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं दोनों मैट्रिसेस की वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि 3 0 से सब्ट्रैक्ट होगा, -6 14 से सब्ट्रैक्ट होगा, इसी तरह बाकी भी होंगे। तो 3 − 0, इसके बाद -6 − 14, इसके बाद 9 − -6। अब यहाँ देखें माइनस है स्टूडेंट और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे आप, डायरेक्ट कर दें इसको, तो 9 + 6 लिख दें आप। इस स्टेप को बहुत ध्यान से आपने समझना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ प्लस लगाया। नेक्स्ट स्टेप 12 − 16, तो फाइनली हमारा आंसर आने वाला है। लास्ट स्टेप है 3 − 0, 3 हो गया। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स, दोनों जो हैं नेगेटिव साइन है, लाइक साइंस हैं, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब लाइक साइंस होते हैं तो दोनों नंबर्स को ऐड किया जाता है, यानी कि 6 और 14 20 होंगे तो -20 लिखा जाएगा और 9 + 6 आपको पता है 15 होंगे और 12 − 16, अब बिगर नंबर 16 है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब अनलाइक साइंस होते हैं तो सब्ट्रैक्शन की जाती है, 16 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और साइन बिगर नंबर के लगेगा, 16 से पहले माइनस है तो हमने माइनस का साइन लगाया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ चुका है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को आप समझ लें कि 2a ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया जाएगा, फिर 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर्स आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों के दरमियान आपके पास ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर दिया गया है तो हम उसको फिर आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 को पुट करना है और ए मैट्रिक्स उतारना है। एक हमारे पास 1, -2 और 3, 4 इसकी एंट्रीज हैं। इसके बाद हमें इसके ऊपर टी लगाना है, यानी कि हमें इसका ट्रांसपोज लेना होगा, देन हम माइनस लगाएंगे ये वाला साइन और 3 लिख के हमने अब बी मैट्रिक्स उतारना है। तो बी हमारे पास है 0, 7, -3 और 8 और यहाँ हम ट्रांसपोज लगा देंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उतारते में आपने बहुत ध्यान से एंट्रीज को उतारना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट, आपने टू को मल्टीप्लाई नहीं करना अंदर पहले, ना थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से। तो आपने याद रखना है पहले दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिया जाएगा, तो हम पहले ट्रांसपोज लेंगे। अगले स्टेप में टू हमने वैसे ही उतार दिया। अब देखें ये रो है आपकी वन माइनस टू, पहली रो है इसको कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू। अब ये दूसरी रो है थ्री फोर, इसको दूसरा कॉलम बनाएंगे तो थ्री और फोर इस तरह से आ जाएगा। फिर हमने माइनस लगा दिया। अब हम जीरो सेवन, हमारे पास ये रो है ये कॉलम बन जाएगी, तो हम लिखेंगे आपके पास थ्री और इसके बाद ये हो जाएगा ज़ीरो और सेवन। इसके बाद हमने माइनस थ्री और एट, हमारे पास दूसरा रो है दूसरी रो है, हम इसे दूसरा कॉलम बना देंगे तो माइनस थ्री और एट। तो आपने देखा हमने इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस टू को इस मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इस थ्री को आपने बी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप टू वन ज़ा टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, और इस तरह टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू और टू मल्टीप्लाई बाय फोर। माइनस का साइन आएगा, आप थ्री को करेंगे थ्री मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन और थ्री मल्टीप्लाई बाय एट। अब इसके आंसर को देखें मल्टीप्लिकेशन के बाद, टू वन ज़ा टू हो जाएगा, सिक्स आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, टू फोर ज़ा एट। अब इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, थ्री ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, और थ्री थ्री ज़ा नाइन, प्लस माइनस 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 नाइन हो जाएगा, और थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन और थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट स्टेप में, यानी कि अभी सब्ट्रैक्शन होगी, तो टू माइनस ज़ीरो, इसके बाद सिक्स माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिक्स प्लस नाइन होगा। इसके बाद माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन, इसके बाद एट माइनस ट्वेंटी फोर, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है टू माइनस ज़ीरो, टू में से ज़ीरो को निकालेंगे टू आ जाएगा, सिक्स प्लस नाइन फिफ्टीन हो जाएगा, माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन। देखिए स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जब दोनों एंट्रीज के साइन माइनस हो, यानी कि लाइक साइंस हो चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो इसमें आपको एडिशन करनी होती है, तो फोर और ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव हो जाएंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। अब एट में से ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर में से एट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, और बड़े नंबर का हमने साइन लगा लें तो माइनस 16 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा ये हमारा आंसर आ चुका है, हम यहाँ पे आंसर अपना लिख देंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।